दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी। पढ़कर मज़ा आया, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी शेयर करूं। आपको भी मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें यहां पे सीखने को मिलेगी, स्पेशली इनकम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, प्रोफेशंस के रिलेटेड। तो यहां पे क्या होता है कि एक गाँव है, गाँव में पानी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। गांव में जो है वो गवर्नमेंट का पानी नहीं आता, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो उन लोगों को, सभी लोगों को सुबह में उठ करके 10-12 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। वहाँ पे एक गांव के पास में एक नदी होती है, वहाँ से पानी भर करके लाना होता है। तो क्या होता है कि उस गाँव में दो लड़के थे, कुछ काम नहीं था उनके पास में। उसमें से एक का नाम था जाडली और एक का नाम था इलू। एक्चुअली मेरे दो दोस्तों का नाम है जाडली और इलू। ज़्यादातर इन दोनों के नाम जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने वीडियो में, तो यहाँ पे भी मैंने यूज़ कर लिए। तो जाडली और इलू इस गांव में रहते हैं और इनके पास में कुछ काम नहीं था करने के लिए। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि पानी का बिजनेस चालू करते हैं हम लोग। पानी भर के लाएंगे और गांव में ला करके बेचेंगे, तो सब लोग हमारे पास से पानी खरीदेंगे, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम सबको है, सबको चल के जाना पड़ता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले गांव वालों के साथ में डिस्कस किया कि हम लोग ऐसे पानी भर के लाएंगे तो आप लोगों को बेचेंगे, क्या आप लोग हमारे पास से खरीदेंगे? तो सब लोग, गाँव वाले खुश हो गए कि हाँ अच्छा है, हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पानी हम लोग खरीद लेंगे आपके पास में से। तो उन लोगों ने क्या किया, दोनों ने दूसरे दिन से सुबह जल्दी उठ करके, मतलब 3-4 बजे के आसपास उठ करके, दोनों दो दो बकेट लेकर के जाते थे, तालाब में से पानी भर के लाते थे। और फिर क्या किया कि उनके पास में एक टैंक थी, उनमें वो लोग पानी स्टोर करके रखते थे। फिर सुबह जब 8-9 बजे के आसपास सब गांव वाले आते थे और उनके पास से पानी खरीद लेते थे, ये लोग पानी बेच देते थे, और इस तरीके से पैसे कमाने चालू किए इन लोगों ने, और अच्छा खासा चल रहा था इनका धंधा। लेकिन जो इलू था वो थोड़ा सा लेजी था। इलू ने बोला कि यार इतनी मेहनत तो मेरे से नहीं होगी, रोज़ सुबह जल्दी उठ करके जाना, पानी भर के लाना, मतलब 4-5 बार जा करके वापस पानी भर भर के लाना, मैं तो यार इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा। जाडली ने बोला कि दोस्त तू मेहनत करेगा तो पैसे मिलेंगे, ऐसे बिना मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे। इलू ने बोला लेकिन कोई कुछ दूसरा रास्ता होगा, सोचना पड़ेगा। तो जाडली ने बोला कि नहीं, मेहनत करोगे तो ही पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इलू ने कहा ठीक है, मैं कुछ ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं शहर में जाता हूँ मेरे चाचा के घर पे, वहाँ कुछ दिन रहूँगा और फिर वापस आऊँगा और फिर देखते हैं क्या करना है। जाडली ने बोला ठीक है, तुझे जाना है तो जा, मैं तो यहाँ पे काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा। तो इलू जो है वो चला जाता है शहर, वहाँ जा कर के वापस गांव में आता है करीब 4-5 महीने के बाद में, और जाडली से मिलता है और जाडली को बोलता है देख जाडली, मैंने शहर में बहुत सारी चीज़ें सीखी है और तुझे, तेरे साथ मैं शेयर करता हूँ, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास में। उसे बोला इलू ने कि हम लोग क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं और पाइपलाइन से पानी को यहाँ पे लाएंगे हम लोग, तो हमारी मेहनत भी हमें नहीं लगेगी और आराम से हम बैठ करके यहाँ पे पानी बेच करके पैसे कमाएंगे। जाडली ने बोला कि यार ये फालतू आइडिया है, तू दिमाग ख़राब मत कर मेरा, मेरा काम अच्छे से चल रहा है, तू तो चला गया था आराम करने अपने चाचा के घर पे, मैंने यहाँ पे अच्छा मेरा बिजनेस सेटअप कर लिया है, मैं रोज़ सुबह उठ करके जाता हूँ, पानी भर करके लाता हूँ और गांव वाले मुझसे पानी खरीदते हैं, मुझे ये फालतू के झंझट में नहीं पड़ना है, ये मोटर पंप वगैरह ये सब खराब हो जाएंगे तो खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा होगा, पंप में पानी लीकेज होगा तो फिर क्या करेंगे, मुझे तो ये मेरा सिस्टम अच्छा लगता है, मैं मेहनत करूँगा पैसे कमाऊँगा, तुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो कर। इलू ने कहा ठीक है, तुझे नहीं करना है तो मत कर, मैं अकेला करूँगा। ऐसा बोल के इलू ने जो है अपना काम चालू कर दिया, वो पंप लगाया उसने, पाइपलाइन लगाई और लगा करके उसने पानी का काम उसने भी चालू कर दिया। अभी जाडली जो है वो 1 रुपये में 1 बकेट बेचता था पानी, इलू जो है उसने सारा सेटअप कर दिया, उसके बाद में उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी रोज़, तो उसका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आ रहा है उसके हिसाब से उसने सारी कैलकुलेशन किया और उसने बोला कि मैं 1 रुपये में 2 बकेट पानी बेचूँगा।
तो सभी गांव वाले उसके पास से पानी खरीदने लगे, क्योंकि ये 1 रुपए में 2 बकेट बेचता था। तो जाडली को आया गुस्सा, जाडली ने इलू से झगड़ा किया, लेकिन फिर झगड़े से कुछ होता नहीं है। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के साथ में झगड़ा नहीं करेंगे। तो जाडली ने भी फिर अपने जो प्राइस है वो गिरा दिए, उसने भी 1 रुपए में 2 बकेट बेचना शुरू किया। तो गांव वाले दोनों के पास में से पानी खरीद लेते थे, लेकिन जाडली में क्या प्रॉब्लम था कि जाडली का पानी सुबह में 10-12 बजे तक ही रहता था, क्योंकि उसका एक बार पानी बेच दिया उसके बाद में उसके पास में टैंक में से पानी ख़त्म हो जाता था। जबकि इलू के पास में पूरा सिस्टम था, पानी ख़त्म हो गया वापस से उसने स्विच ऑन किया तो टैंक में पानी भर जाएगा, वापस वो बेच सकता था। तो मतलब इलू पूरे दिन पानी बेच सकता था, जाडली के पास में ये ऑप्शन नहीं था, इलू के पास में ये ऑप्शन था। तो शाम को भी कोई पानी खरीदने के लिए आता है तो इलू बेच सकता है। इस तरीके से इलू और जाडली पानी का जब धंधा चालू किया, तो स्टार्टिंग में जब इलू नहीं था जाडली अच्छा कर रहा था, लेकिन जब इलू आ गया जाडली का धंधा धीरे धीरे ख़त्म हो गया और इलू जो है वो वहाँ पे अच्छा उसका बिजनेस सेटअप कर दिया। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस हमें समझना है, जाडली जो है वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल काम कर रहा था और इलू ने एज अ बिजनेसमैन अपना काम स्टार्ट किया। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे कई बार हम लोग मतलब एज अ इंजीनियर डॉक्टर लॉयर बन करके हमें लगता है कि हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, अच्छा इनकम हमारा चल रहा है, लेकिन हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे हम जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। अगर हमने काम नहीं किया एज अ डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। सो ये एक है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं बिजनेसेस, वहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम होता है। वहाँ पे जो बिजनेस ओनर होता है उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसने पूरा सिस्टम लगा दिया। चाहे सिस्टम ऑफ नेटवर्क हो, मतलब उसने अपने अंदर सभी लोगों को बिठा करके रखा है काम करने के लिए, सिस्टम ऑफ पीपल हो या फिर सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी हो। इस इलू ने क्या किया, सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी का सेटअप किया, एक टेक्नोलॉजी सब सेटअप कर दी, काम चल रहा है, उसका काम हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिस्टम ऑफ पीपल सेटअप करते हैं, लोगों का एक सिस्टम सेटअप कर देते हैं कि सभी लोग इस तरीके से काम करेंगे, पूरा सिस्टम चलेगा, बिजनेस चलेगा और जो ओनर है उसको बिजनेस में सभी वक्त रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ चेंजेस करना है, तब ओनर की ज़रूरत है, लेकिन रेगुलर बिजनेस जब चल रहा है तब ओनर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये दो डिफरेंस है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में और एक बिजनेस ओनर में। तो ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं बिजनेस ओनर्स, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सिस्टम से बाहर रखते हैं, अपने आप को सिस्टम से बाहर रख करके काम करते हैं और सिस्टम अपना काम अपने आप करता है। जबकि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं वो सिस्टम के अंदर रह करके काम करेंगे। तो जब तक वो लोग काम करेंगे सिस्टम चलेगा, पैसा आएगा, जब वो लोग काम नहीं करेंगे तब सिस्टम बंद, पैसा भी बंद हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यहां से सीखने को मिली। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने एक्सप्लेन की हुई है अपनी बुक में। ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, ये शायद आपने पढ़ी होगी। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है वो दूसरी बुक में से सुनाई है, वो उस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 4 अलग अलग तरीके से पैसा आ सकता है। एक, आप अगर एक एम्प्लॉय हो काम करके पैसा कमाओ, दूसरा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो तभी भी काम करके पैसा कमाओ, अगर एम्प्लॉय हो फिक्स सैलरी मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो तो आपका खुद का सिस्टम है, जितना काम करोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। ये दो क्वाड्रेंट हो गए। उसके अलावा दूसरे दो क्वाड्रेंट है, जहां पे एक है बिजनेस, आपको पूरा सिस्टम सेटअप करना है और सिस्टम काम करेगा आपको पैसा मिलेगा, और चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टमेंट का, वहां पे आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, सभी बिजनेसेस अपने आप काम करेंगे, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है। अगर आपको बुक रीड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप बुक परचेस कर सकते हो और रीड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको रीडिंग नहीं करना है, आपको ऑडियो में मजा आता है, अगर आपको बुक सुनना है, ऑडियो बुक सुनना है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कुकू FM, जहाँ पे बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ये बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के आप ये ऑडियो बुक सुन सकते हो। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है। तो
अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और आपके यूज़ करने से मुझे भी कुछ अर्निंग यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आपको भी बेनिफिट होगा, 50% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के क्लिक कर सकते हो और वहाँ से आप ये कूपन कोड जो है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।